सौसन बोरगांव, कल शाम को डंपर के चालक अनूप गोड़बोले, निवासी कोदा डोंगरी के द्वारा अवैध रूप से सावानगा से रेत चोरी कर दुधाला कला जंगल के रास्ते से सावनेर महाराष्ट्र ले जाते समय लोधीखेड़ा पुलिस ने घेराबंदी कर जब्त करने में सफलता हासिल की है। और मौके पर लोधीखेड़ा थाना प्रभारी मनीष सिंह भदौरिया पहुंचे और खनिज विभाग छिंदवाड़ा के अधिकारी को तुरंत ही मौके पर बुलाया। मामले में रेत चोरी धारा 379 IPC का FIR दर्ज कर चालक की गिरफ्तारी की गई है, जिसे कल माननीय न्यायालय पेश किया जाएगा। डंपर मालिक की भी तलाश की जा रही है। वह लोधीखेड़ा थाना प्रभारी मनीष सिंह भदौरिया ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि जो अब अवैध रेत के वाहन चोरी चुपके अंदर की रास्ता से लगातार निकल रहे हैं, सभी पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वाहन को जब्त करने की प्रक्रिया लगातार चलते रहेगी, जिससे अवैध रेत तस्करों पर विराम लगेगा। संवाददाता शुभम सहारे, छिंदवाड़ा। कल शाम को सावंगा में हम भ्रमण करते तो सूचना मिली थी कि सावंगा नदी से रेत चोरी करके डंपर नंबर है जो MH40BG5372 है, ये चोरी करके अभी दुधाला के जंगल तरफ से आगे सामने की ओर जा रही है। तो सूचना पर तत्काल वहाँ पटवारी और कोतवाल को साथ लेकर सर्च किया तो गाड़ी हमें दुधाला कला अंडरब्रिज के पास मिली, जिसे वहाँ रोककर चेक किया, उसके पास कोई राजनीतिक कागज नहीं पाई गई और इससे पूछताछ पर ड्राइवर अनूप गोड़बोले नाम बताया। उससे पूछने पर बताया कि सावंगा के पास नदी से रेत चोरी करके ले जा रहा था, तो इससे मैं धारा 379 रेत चोरी का प्रकरण बनाकर डंपर जब्त किया गया, आरोपी चालक को गिरफ्तार किया गया है और इसमें विवेचना की जा रही है। वाहन मालिक की जानकारी प्राप्त करके वाहन मालिक को भी मुजरिम बनाया जा रहा है। गाड़ी नंबर क्या है सर? उसका MH40BG5372। कहाँ की गाड़ी? सावनेर की। हाँ, अभी जो ड्राइवर है जो गिरफ्तार हुआ उससे पूछताछ कर ये सावनेर का होना बताया। ठीक है सर।